शिवम शिवम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्ड। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्तु भाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको शिवागो.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। मैं आपको रहस्यमयी मुर्द जंजीरा किले के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक रहस्यमय किला है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है। मुर्द जंजीरा किला क्यों नहीं कोई जीत पाया आज तक, उसका इतिहास क्या है? देखिए, हमारे देश में प्राचीन काल के तमाम किले आज भी मौजूद हैं और उसी में से है जंजीरा फोर्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड गांव में स्थित एक किले का नाम गांव के नाम पर रखा गया था और इस किले का नाम है मुरुड जंजीरा किला। और यह किला समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और ये बीच समुद्र यानी कि अरब सागर में बना हुआ है। ये किला लगभग लगभग 350 वर्ष पुराना है और स्थानीय लोग इसे अजय किला कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ अजय होता है। माना जाता है कि किला पंच पीर पंजातन शाह बांड्या बाबा के संरक्षण में है और शाह बाबा का मकबरा भी इसी किले में है। इसकी नींव 20 फीट गहरी है। यह किला सिद्धि जौहर द्वारा बनवाया गया था और उसका इतिहास चलिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। जंजीरा यह शब्द अरबी शब्द से अपने यहाँ आया हुआ है। अरबी भाषा में जंजीरा जो शब्द है, जंजीरा का मतलब होता है बंदरगाह। इस बंदरगाह पर पहले एक मेड़े कोट था। महाराष्ट्र से लगे अरब सागर से ये किला है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मुगल से लेकर ब्रिटिश तक कोई भी इस किले को नहीं जीत पाया है। इस किले की बनावट ऐसी है कि इस पर कब्जे के लिए कई बार हमले हुए हैं लेकिन कोई भी इस किले के अंदर नहीं घुस सका है। 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा यह किला अरब सागर में एक आइलैंड पर है और इसका निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं सदी में हुआ था। 15वीं सदी में राजपुरी मतलब मुरुद जंजीरा किले से 4 किलोमीटर दूर मछुआरों ने खुद को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए एक बड़ी चट्टान पर मेघिकोट नाम का लकड़ी का किला बनाया और इस किले को बनाने के लिए मछुआरों के मुखिया राम पाटिल ने अहमदनगर सल्तनत के निजाम शाह से इजाजत मांगी थी। पर आज ये जो पूरा किला है, जो पूरा महल, वो पत्थर का बना हुआ है। तो ये पत्थर का कैसे हो गया, इस पे भी मैं बिल्कुल आपसे चर्चा करूंगा और बिल्कुल आपको बताऊंगा और आपको बताने भी जा रहा हूं। बाद में अहमदनगर सल्तनत के थानेदार ने इस किले को खाली करने को कहा तो मछुआरों ने इसका विरोध कर दिया। फिर अहमदनगर के सेनापति पीरम खान एक व्यापारी बनकर सैनिकों से भरे 3 जहाज लेकर पहुंचे और उसके बाद कब्जा किया। और उसका भी अपना एक इतिहास है, जो उन्होंने कब्जा किया उसका अपना एक इतिहास है। इन्होंने क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लोग बाकायदा व्यापारी बनकर गए थे, तो व्यापारी बन के क्या, इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए थे और गिफ्ट में क्या दिया था, उन्होंने शराब दी थी जिसे उन्होंने पिया था। और जब शराब पी के वो लोग पूरे मतलब समझ लीजिए कि पूरे मतलब नशे की हालत में थे, उसके बाद पीरम खान ने उस पर कब्जा किया था। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि वहां पे जितने लोग थे उन सबको पीरम खान ने मार दिया था। पीरम खान के बाद अहमदनगर सल्तनत के नए सेनापति बुरहान खान ने लकड़ी से बने मेघिकोट को तोड़वा कर यहाँ पत्थरों का किला बनवाया था। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 वर्षों में हुआ था और यह किला 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 सुरक्षा चौकियाँ हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश और पुर्तगालियों सहित कई मराठा शासकों ने इसे जीतने का काफ़ी प्रयास किया था लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली।
और इस किले में सिद्दीकी शासकों की कई तोपें आज भी रखी हुई है, जो हर सुरक्षा चौकी में आज भी मौजूद है। वहां की कुछ रहस्यमयी बातें भी हैं। मूल जंजीरा किले का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनाया गया है, जो किले से कुछ मीटर दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। और यही वजह रही कि दुश्मन किले के पास आने के बावजूद चकमा खा जाते हैं और किले में घुस नहीं पाते हैं। यहाँ एक रहस्यमयी चीज है, ये एकमात्र ऐसा किला है जो दुश्मनों द्वारा कभी जीता नहीं गया, पहली बात। और यह किला 350 वर्ष पुराना है। इसमें मीठे पानी का एक झील है, तो समुद्र के खारे पानी के बीच होने के बावजूद इसमें मीठा पानी आता है। और यह मीठा पानी कहाँ से आता है, इस बात पर आज भी रहस्य बना हुआ है। इसमें एक शाह बाबा का मकबरा है। अरब सागर में स्थित यह किला समुद्र से 90 फीट ऊंचा है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और इतिहास में यह किला जंजीरा के सिद्दीकियों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो जो मूल जितनी बातें थी ये सब मैंने आपको बता दिया। जंजीरे की तटबंडी से विस्तृत प्रदेश दिखता है। इसमें समुद्र में बांधा कासा उर्फ पददुम के किनारे सामरजगढ़ भी यहाँ से यूं ही दिखता है। यहाँ तक कि शिवाजी भी इस किले को नहीं जीत पाए थे। संभाजी ने भी कोशिश की थी, पर वो भी इसको जीतने में सफल नहीं हो पाए थे। और अगर पीरम खान ने शराब की टंकियां राम पाटिल को भेंट नहीं की होती और वो नहीं पीते जितने कोड़ी लोग थे, तो शायद उनका हथियाना भी बहुत मुश्किल हो जाता, वो नहीं जीत पाते तो। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। और मैं ये बता दूं कि वहाँ पे पहुँचा कैसे जा सकता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए, अगर भाई एयर आप जा रहे हैं तो मुरुद से सबसे पहले नज़दीक मुंबई एयरपोर्ट है, 165 किलोमीटर दूर है वहाँ से। अब मुंबई के लिए सभी बड़ी शहरों से फ़्लाइट्स तो ही हैं, बाई ट्रेन भी आप जा सकते हैं। पनवेल स्टेशन मुरुद से सबसे नज़दीक है, जो 122 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप अलीबाग के लिए बस ले सकते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट की कई बसें आपको स्टेशन से आसानी मिल जाएगी, बाई बस भी आप जा सकते हो। मुरुद जाने के लिए आपको महाड जाना पड़ेगा, आप पुणे या मुंबई से बस लेकर आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है।